सबसे बड़ी बात ये जो मैंने अपना घर बनाने जा रहा हूँ और ये जो मैं अपना घर बनाने जा रहा हूँ, मैंने अपनी हमारी जो परंपरा की सभ्यता है उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस मकान की डिज़ाइन करवाई है। मैं मॉडर्न डिज़ाइन पे नहीं गया हूँ, मैं ट्रेडिशनल डिज़ाइन पे, हमें राजस्थानी जो डिज़ाइन है मैं उसका पालन कर रहा हूँ। और चूँकि हम लोग बहुत आध्यात्मिक लोग हैं, इसलिए वास्तु को भी मानने वाले हैं, इसलिए मैंने इस घर को प्रॉपर तरीके से पूर्ण वास्तु सम्मत बनवाया है। इस मकान के नक्शे को बनाते समय मुझे भी बहुत अध्ययन करना पड़ा वास्तु का, और इस मकान के नक्शे को मैंने 3 माह में तैयार करवा पाया। भूमि ऊर्जा वास्तु के अंदर एक बहुत बड़ा महत्व रखती है, इसलिए मैंने प्रयास भैया को बुलवाया ताकि हम जब इस घर में गृह प्रवेश करें तो हमें आनंद की अनुभूति हो, संतुष्टि मिले और परमात्मा की सुख समृद्धि संपन्नता हमारे घर में बनी रहे। इसलिए वास्तु के साथ साथ मैंने इस मकान की जो 21,000 वर्ग फुट में बनाया जा रहा है, इसकी मैंने भूमि ऊर्जा को भी बहुत अच्छे से प्रयास भैया के माध्यम से बढ़वाया है। प्रयास भैया इतनी दूर से मैनपुरी में आए, अपना अमूल्य समय देकर हमें कृतार्थ किया है। मैं उनकी अनुकंपा से आज यह कार्य संपन्न हुआ है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बहुत धन्यवाद मित्रों, जय जिनेंद्र। निश्चित रूप से यह बंगला जो मैनपुरी में नवनिर्मित किया जा रहा है, 21,000 स्क्वायर फुट में बंगला बनाया जा रहा है। यह पूरा प्लॉट डिग्री के अकॉर्डिंग टिल्ट था, लेकिन इसको सन ने पूरा 0 डिग्री पर करके इसके पूरे बंगले को रूपरेखा बनाई है। इसके साथ साथ इसमें पूरब दिशा में इंद्रद्वार E3 E4 खोला गया है, उत्तर दिशा में बल्लाट द्वार भी खोला गया है। इसके साथ साथ इसमें जितने भी वास्तु के प्रयोजन होने चाहिए A to Z किए हैं, मतलब चीटी भर भी इसमें एक खरोंच या किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं निकल सकती, क्योंकि सन ने भी इसके लिए बहुत अमूल्य समय अपना दिया है। और मैंने आज ऊर्जा को बढ़ाया है, ऊर्जा को बढ़ाने के बाद ऊर्जा इतनी बढ़ चुकी है कि इस भूमि पर जो भी व्यक्ति रहेगा, निश्चित रूप से सर की जो फैमिली रहेगी, निश्चित रूप से सुख शांति के साथ साथ समृद्धि के नए आयाम स्थापित कर पाएगी। सर ने मैनपुरी बुलाया उसके लिए धन्यवाद, सभी मित्रों को धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।